सुपर रोबोट ट्रेन जायंट जेसीबी रोबोट। एक रात आसमान में एक रोशनी महेश नाम के आदमी के जेसीबी पर गिरती है। वो जेसीबी एक जायंट जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। अब इस धरती को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन मुझे अभी सबके सामने नहीं आना है। पहले मुझे धरती के उस रक्षक सुपर रोबोट को ढूंढना है। ऐसा कहकर वो रोबोट फिर से जेसीबी में बदल जाता है और घर के सामने खड़ा हो जाता है। दूसरे दिन महेश अपनी जेसीबी से रोड बनाने के काम में चला जाता है। उस दिन जेसीबी कुछ जल्दी जल्दी काम कर रहा था। ये सब देखकर महेश तो हैरान हो जाता है। वो सोचता है, अरे ना ही मैंने जेसीबी का कोई रिपेयर किया है और ना ही कोई नया पार्ट लगवाया है, फिर आज जेसीबी ने इतने फास्ट काम कैसे किया? कल तक तो मैं बड़ा परेशान था, लेकिन आज देखो इस जेसीबी को। महेश काम खत्म करके जेसीबी लेकर घर चला जाता है। रात को जेसीबी फिर से रोबोट में बदल जाता है और वो सुपर रोबोट को ढूंढने लगता है। और जब सुपर रोबोट को वो ढूंढ नहीं पाता तो फिर से जेसीबी बनकर महेश के घर के सामने खड़ा हो जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार महेश जेसीबी से रोड का काम कर रहा था, तब वो जेसीबी एकदम से रुक जाता है। महेश कहता है, अरे ये क्या, तारीफ करते ही फिर से अपने नखरे दिखाना शुरू कर दिया इस जेसीबी ने, चलो नीचे उतर कर देखता हूँ कि क्या हुआ। ऐसा कहकर महेश नीचे उतर कर देखने जाता है, तब वो जेसीबी एकदम से एक जेसीबी रोबोट में बदल कर वहां से भागने लगता है। ये सब देखकर महेश सोचता है, अरे अरे मेरा जेसीबी, ये क्या हुआ, ये किसका भूत है जो मेरी जेसीबी में आ गया, अरे मेरा जेसीबी, कहाँ जा रहे हो तुम? ऐसा कहते हुए महेश भी अपने जेसीबी के पीछे भागने लगता है। पर अचानक जेसीबी रोबोट को क्या हुआ था और वो कहाँ भागे जा रहा था? लगता है उस सुपर रोबोट का उसे पता चल गया था। वो जायंट जेसीबी रोबोट शहर से भागते हुए रेलवे स्टेशन पर आता है। इतने बड़े जेसीबी रोबोट को देखकर सब डर के मारे भागने लगते हैं। तभी उस स्टेशन पर एक ट्रेन आती है, लेकिन वो ट्रेन वहां नहीं रुकती। तब जेसीबी रोबोट उस ट्रेन को पीछे से पकड़कर उसे आगे जाने से रोक लेता है। ट्रेन का ड्राइवर हैरान, सारे यात्री भी हैरान हो जाते हैं। आखिर उस जेसीबी रोबोट को उस ट्रेन से क्या लेना देना था? आखिर क्या था उस ट्रेन में जो उसने उस ट्रेन को रोका? तभी वहां बैठा कुमार नाम का साइंटिस्ट मन ही मन में कहता है, धरती को नष्ट करने वाली रोशनी आखिरकार धरती पर आ ही गई और उसने इस जेसीबी रोबोट का रूप धारण कर लिया है। मुझे उसे किसी सुनसान जगह पर ले जाना होगा, वरना खामखा लोग डर जाएंगे और उनका नुकसान भी बहुत हो जाएगा। कुमार अपने पास रखे एक बॉक्स को लेकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है। वो एक बाइक से हाईवे की तरफ जाने लगता है। तब जेसीबी रोबोट उसे देख लेता है। ट्रेन को छोड़कर वो जेसीबी रोबोट उस बाइक के पीछे भागने लगता है। हाईवे के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में कुमार बॉक्स के साथ चला जाता है और पीछे जायंट जेसीबी रोबोट भी। जायंट जेसीबी रोबोट वहां किसी को ढूंढने लगता है। तब कुमार सामने आकर कहता है, तुम इस बॉक्स को ही ढूंढ रहे हो ना, तुम इसे खत्म करके इस धरती को खत्म करना चाहते हो, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें पहले इस सुपर रोबोट का सामना करना होगा। कहां है वो डरपोक सुपर रोबोट, मेरे सामने क्यों नहीं आता? कुमार उस बॉक्स को खोलता ही रहता है। बॉक्स को खोलते ही वहां से रोबोट के पुर्जे निकलते हैं और वो अपने आप आपस में जुड़ जाते हैं। देखते ही देखते वो एक सुपर रोबोट में बदल जाते हैं, जो कुमार उसे हमेशा अपने बॉक्स में रखता था। अब उस सुपर रोबोट और जायंट जेसीबी रोबोट में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सुपर रोबोट के सामने जेसीबी रोबोट की ताकत कम दिखाई देती है। सुपर रोबोट उसके एक एक पार्ट को अलग अलग निकालने लगता है, जिस वजह से जेसीबी रोबोट कमजोर होने लगता है। मेरी ताकत कम होती जा रही है, मुझे यहाँ से भागना होगा। ऐसा कहकर फिर से एक रोशनी उस जेसीबी रोबोट से निकलकर वापस आसमान में चली जाती है और जेसीबी नॉर्मल बन जाता है, लेकिन उसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। तभी वहां महेश आता है। जेसीबी के निकले हुए पार्ट्स को देखकर वो कहता है, अरे मेरा जेसीबी काम से ही गया, मैं अब गरीब आदमी, इस जेसीबी को कैसे रिपेयर करूं, मेरा काम कैसे होगा अब? ये कहकर महेश अपना सर पकड़ लेता है। तब सुपर रोबोट जेसीबी का रिस्टोरेशन करके देता है। महेश का जेसीबी अब बिल्कुल नया जैसा बन जाता है। महेश खुशी खुशी से अपने जेसीबी को लेकर अपने गांव वापस चला जाता है।
और सुपर रोबोट फिर से उस बॉक्स में समा जाता है और वो अपनी लैब में जाके उसी आसमान वाली रोशनी पर नजर रखने लगता है। अब देखना पड़ेगा कि वो आसमान वाली रोशनी फिर से कब अटैक करेगी। जायंट होल, टाइटन मॉन्स्टर एंड डायमंड रोबोट रेस्क्यू। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बनने लगा। शुरू शुरू में लोगों को ये कोई आम ही बात लगी, क्योंकि हमारे यहाँ रास्तों में गड्ढे ये तो छोटी मोटी बातें रहती है, पर धीरे धीरे वो गड्ढा बड़ा होता ही जा रहा था। लोगों के बार बार शिकायत करने के बाद आखिरकार उस गड्ढे को बुझाने की कोशिश की गई, पर चाहे किसी भी चीज का इस्तेमाल कर लो, वो गड्ढे को बंद करना नामुमकिन सा हो गया था। ईंट, सीमेंट, लोहा, कंक्रीट, इन जैसी कई चीजों को ये गड्ढा बड़ी आसानी से निकल गया। अरे आखिर ये चीज क्या है, कितनी भी कोशिश कर लो हम इसे बंद ही नहीं कर पा रहे। उल्टा दिन ब दिन ये गड्ढा फैलता ही जा रहा है। इसे देखकर तो लग रहा है जैसे जमीन फट रही हो। हमने ना जाने कितने टन मिट्टी, सीमेंट सब तो इसके अंदर डाला, पर ना जाने सब कहां गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा है ये गड्ढा उन सब चीजों को निगल रहा है। अब क्या करे, कैसे इसे रोके। स्पेशल टीम आकर वहां छानबीन करने लगे कि आखिर इन सब की वजह क्या है। लोग परेशान वहां इकट्ठा होकर ये सब नजारा देख रहे थे कि तभी अचानक उस गड्ढे के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। सारे लोग डर के मारे पीछे हट गए। तभी अचानक उस गड्ढे से एक बड़ा ही भयानक और गंदा सा दिखने वाला हाथ बाहर निकला, जिसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी थाम कर रखी थी। वो एक टाइटन मॉन्स्टर था। उसे देखते ही लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। बाहर आते ही वो मॉन्स्टर जोर जोर से दहाड़ने लगा। डरे हुए लोगों को देखकर वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा खुश हो गया। अरे ये आफत कहां से आ गई, अब इसे कैसे रोके। इसे रोकना तो दूर की बात है, पहले यहां से भागो और अपनी जान बचाओ। इस भगदड़ में कुछ लोग घायल हो गए तो कुछ लोगों को उस टाइटन मॉन्स्टर ने घायल कर दिया। टाइटन मॉन्स्टर लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा, तब वो अपने विशाल कुलाड़ी के साथ आसपास की गाड़ियों और बिल्डिंगों को भी नुकसान करने लगा। बेचारे लोग दहशत में आ चुके थे। हॉस्पिटल की ओर वो बढ़ने लगा, जिसमें न जाने कितने लोग थे। उस हॉस्पिटल पर वो वार करता, इससे पहले ही उसकी कुलाड़ी को किसी ने हवा में ही पकड़ लिया। टाइटन मॉन्स्टर ने उस हाथ की तरफ देखा तो उस चमकते हुए हाथ से उसकी आंखें चौंधी आ गई। इसी का फायदा उठाते उस चमकती हुई हाथ ने टाइटन मॉन्स्टर को हवा में उछाल दिया। टाइटन मॉन्स्टर अंधेरे से आया हुआ था, इसलिए इतनी रोशनी को वो सहन नहीं कर पाया। उसका पाला डायमंड रोबोट से जो पड़ा था। जी हाँ, वो हाथ एक डायमंड रोबोट का था, जो लोगों को बचाने सही वक्त पर आ पहुंचा था। अरे देखो, अब तो डायमंड रोबोट भी आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा, चलो यहां से। डायमंड रोबोट के चमक के सामने टाइटन मॉन्स्टर ने अपनी आंखें बंद कर दी और वो हवा में ही डायमंड रोबोट पर वार करने लगा, जिस वजह से उसका हर एक वार खाली जाता। और इसी का फायदा उठाते हुए डायमंड रोबोट उसे बुरी तरह से पीटने लगा। अब धीरे धीरे टाइटन मॉन्स्टर को उस रोशनी की आदत हो गई और वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर डायमंड रोबोट का सामना करने के लिए तैयार हो गया। बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते दोनों उस विशाल गहरे गड्ढे के पास पहुंच चुके थे। आखिरकार डायमंड रोबोट ने टाइटन मॉन्स्टर के सीने के बीचों बीच वार कर दिया, जिस वजह से वो पूरी तरह से घायल हो गया और वो पीछे हटते हटते उस गड्ढे में गिरने लगा कि तभी डायमंड रोबोट का हाथ थाम उसे भी गड्ढे में उसने खींच लिया और वो दोनों महारथी गड्ढे में गिरने लगे। लोग तो ये नजारा देख कर मायूस हो गए। उन्हें लगा कि डायमंड रोबोट भी अब खत्म हो गया। ओ नो, बेचारा डायमंड रोबोट भी उसके साथ उस गड्ढे में चला गया। अरे कहां गया, वो देख जरा उस तरफ। उस गड्ढे से बाहर निकलती तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। लोगों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। तब सब रोशनी कम हुई और लोगों ने आंखें खोलते ही वो हैरान और खुश हो उठे। डायमंड रोबोट उड़ता हुआ बाहर आ चुका था। बाहर आते ही उसने अपने डायमंड गन से उस पूरे गड्ढे को पूरी तरह से बंद कर दिया और फिर से उड़कर वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही लोगों ने चिल्लाकर खुशियां मनाई। उन रास्तों को फिर से उसने पहले जैसे बना दिया।
अब उस गड्ढे को खोदना किसी के बस की बात नहीं थी।